इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं दोस्तों टाटा मोटर्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज का दिन यानी कि 1 अप्रैल 2022 ऑटो सेक्टर कंपनियों के लिए काफ़ी खास होने वाला है, और उसमें भी यदि आपने टाटा मोटर्स के अंदर खरीदारी कर रखी है तो बहुत ही शानदार खुशखबरी यहां पर निकल कर आई है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं होने वाली है, शॉर्ट में मैं आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले टाटा मोटर्स के आज के ट्रेडिंग सेशन की बात कर लेते हैं। लगभग 1.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी आज के दिन हमें टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिल चुकी है। और अगर आप टाटा मोटर्स का चार्ट पैटर्न देखेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन का, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पाएंगे कि फर्स्ट सेशन में हमें कोई बड़े मूवमेंट देखने को नहीं मिले, लेकिन सेकंड सेशन में काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली है। इस तेज़ी की सबसे बड़ी वजह है कि टाटा मोटर्स ने जो अपने मंथली सेल्स के नंबर्स डिक्लेयर किए हैं वो सेकेंड सेशन में ही डिक्लेयर किए हैं, जिस कारण से उसका एक पॉजिटिव आउटकम्स हमें टाटा मोटर्स की शेयर प्राइस के ऊपर देखने को मिला है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं आपको उस प्रेस रिलीज की तरफ लेकर आ चुका हूं जो कि टाटा मोटर्स की तरफ से रिलीज करी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं टोटल सेल्स की बात करी जाए तो 2,43,459 यूनिट टाटा मोटर्स ने क्वार्टर फोर के अंदर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर फोर जनवरी फरवरी और मार्च के अंदर सेल करी है, जो कि लास्ट ईयर के यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर फोर से लगभग 27% ज़्यादा है। तो यहीं पर आप एनालिसिस कर सकते हैं कि टाटा मोटर्स अदर ऑटो सेक्टर्स कंपनियों से किस प्रकार से तेजी से ग्रो कर रही है। चलिए अब सेगमेंट वाइज भी है यहाँ पर मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं डोमेस्टिक सेल्स परफॉर्मेंस के बारे में। तो टाटा मोटर्स ने जो डोमेस्टिक सेल्स डिक्लेयर करी है मार्च 2022 के अंदर, जहाँ पर कंपनी की तरफ से 86,718 यूनिट्स बेची गई है, जो कि लास्ट ईयर के क्वार्टर फोर के मार्च मंथ में लगभग 66,462 यूनिट थी, यानी कि ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मंथ ऑन मंथ में लगभग 30% की जंप हमें देखने को मिल रही है। वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर क्वार्टरली अगर नंबर्स की बात करें तो वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, लास्ट ईयर के क्वार्टर फोर में कंपनी ने 1,82,477 यूनिट सेल करी थी, जो कि इस बार बढ़कर 2,33,078 यूनिट हो गई है। यानी कि क्लियरली आप देख सकते हैं 28% की जंप हमें टाटा मोटर्स के क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर देखने को मिल रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, जी हाँ दोस्तों, इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, ऑल ओवर फाइनेंशियल ईयर की बात करें क्योंकि क्वार्टर फोर एंड हो चुका है, आज से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है, तो अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो यहाँ पर पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अंदर टाटा मोटर्स ने 6,92,554 यूनिट सेल करी है। इसमें अपनी पैसेंजर व्हीकल्स भी इंक्लूड है, कमर्शियल व्हीकल्स भी इंक्लूड है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी इंक्लूड है। और अगर इसे हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करें जहां पर कंपनी ने 4,64,062 यूनिट सेल करी थी, तो उसके कंपेयर में फाइनेंशियल ईयर यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 49% की जंप है। बहुत ही शानदार नंबर है। मेरी नज़र में टाटा मोटर्स का यह अब तक का सबसे बेस्ट रिजल्ट होने वाला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगर हम यहाँ पर कंपनी के कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की भी बात करें तो वहाँ पर भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पर कंपनी की कमर्शियल व्हीकल सेल्स के अंदर भी लगभग 16% की जंप है। वहीं अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर कंपेयर करें तो 12% की जंप है, और फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर कंपेयर करें कमर्शियल व्हीकल्स को तो 36% की जंप है। चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी के पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में, क्योंकि यहीं पर सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स कवर है। तो सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल्स की बात कर लेते हैं, नॉर्मल पैसेंजर व्हीकल्स की, जहां पर कंपनी ने 38,936 यूनिट सेल करी है, जो कि लास्ट ईयर के मार्च मंथ में 28,949 यूनिट थी, यानी कि 34% की जंप हमें यहाँ पर नॉर्मल पैसेंजर व्हीकल्स में देखने को मिल रही है। अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करें तो 3,357 यूनिट्स कंपनी ने मार्च मंथ के अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की सेल्स करी है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लगभग 376% यानी कि 376
76% ज़्यादा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को, तो 353% की जंप टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक सेगमेंट में देखने को मिल रही है। इसीलिए टाटा मोटर्स के हेड शैलेंद्र चंद की तरफ से भी जो स्टेटमेंट निकल कर आया था वो क्लियरली यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि टाटा मोटर्स ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर रिवॉल्यूशन लाने वाला है, एक रोड मैप तैयार कर रहा है जिसके पीछे बाकी ऑटो सेक्टर्स कंपनियाँ आपको आते हुए देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको किसी भी शेयर्स को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप ऑटो सेक्टर कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझ आना चाहिए। आप यहाँ पर नंबर्स पर देखिए, फाइनेंशियल नंबर्स और टेक्निकल लेवल्स देखिए, तब यहाँ पर आप कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सी कंपनी बेस्ट है। अगर हम टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो टाटा मोटर्स का RSI लेवल और मनी फ्लो इंडेक्स दोनों ही मिड रेंज में है, यानी कि अभी भी आपके पास एक सही अपॉर्चुनिटी है इस शेयर के अंदर बाय एंड डिप करते हुए चलने की। स्विंग ट्रेड की बात करें तो डेफिनेटली स्विंग ट्रेड में भी आप इस शेयर्स को पिक करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ये शेयर्स आपको 550 रुपीज के लेवल को टच करते हुए देखने को मिलने वाला है। बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पर 1000 रुपये तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। डेफिनेटली ये शेयर्स आपको मल्टीपल रिटर्न्स बनाकर देने वाला है। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलेगा, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल बाजार की खबर को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आपको मार्केट की रियल टाइम बेसिस पर न्यूज़ प्रोवाइड करी जा रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।